गुड मॉर्निंग एवरीवन, आई एम दीपक जैन, फिजिक्स लेक्चरर। टुडे वी आर डिस्कस अबाउट एरर्स ऑफ मेजरमेंट। आज हम बात करेंगे एरर की, एरर ऑफ मेजरमेंट। मेजरमेंट के अंदर एरर क्या होता है, तो हम बात करेंगे एरर इज द डिफरेंस, errors is the difference between actual value। हम इसको true value भी कहते हैं, to the measurable value। हम कह सकते हैं किसी भी क्वांटिटी में, किसी भी मेजरमेंट में जो एरर होगा, दिस इज इक्वल टू एक्चुअल वैल्यू माइनस मेजरेबल वैल्यू। अगर हम एक्चुअल वैल्यू में से मेजरेबल वैल्यू को माइनस कर दें, दिस इज नॉन एज एरर। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम बात करें, हमारे पास एक रोड है ए बी, और इस रोड की एक्चुअल जो लेंथ है, जिसे हम ट्रू वैल्यू कहते हैं, वो है 7.4 सेंटीमीटर। एंड विद द हेल्प ऑफ स्केल वी मेजर द लेंथ ऑफ द रोड, एंड दिस इज इक्वल टू 7.6 सेंटीमीटर। तो 7.6 सेंटीमीटर क्या है? मेजरेबल वैल्यू। और 7.4 सेंटीमीटर क्या है? ट्रू वैल्यू। तो अगर हम एक्चुअल वैल्यू या ट्रू वैल्यू में से मेजरेबल वैल्यू को माइनस कर दें, तो -0.2, इट मीन्स एरर्स अराइजेज टू मेजरमेंट ऑफ लेंथ ऑफ द रोड इज इक्वल टू ±0.2। तो ±0.2, दिस इज नोन एज एरर। एरर मीन्स डिफरेंस बिटवीन एक्चुअल वैल्यू टू द मेजरेबल वैल्यू। एक चीज याद रखना, बहुत सारे बच्चे, आप सभी जानते हो कंप्यूटर्स के बारे में, जो कंप्यूटर के अंदर एरर होता है, उसे हम एरर इन लैंग्वेज कहते हैं, कि पर्टिकुलर लैंग्वेज के अंदर जो एरर आता है। हम यहाँ पे फिजिक्स और केमिस्ट्री के अंदर हम पढ़ेंगे एरर्स ऑफ मेजरमेंट, कि हम किसी भी क्वांटिटी को मेजर कर रहे हैं, जब हम किसी भी क्वांटिटी को मेजर करेंगे तो उसके अंदर कितना एरर अराइज होगा, मीन्स उसकी एक्चुअल वैल्यू या ट्रू वैल्यू और मेजरेबल वैल्यू में जो डिफरेंस होगा, दिस इज नॉन एज एरर। या हम एरर को दूसरे वे में कह सकते हैं, टू मेजर एनी फिजिकल वैल्यू द अनसर्टेनिटी अराइजेज इज कॉल्ड एरर। अनसर्टेनिटी का मतलब जो कमी है, उस कमी को हम क्या कहेंगे? एरर कहेंगे। और इस टाइप से एरर्स की आपकी बुक में बहुत सारी डेफिनेशन लिख रखी है, कि पर्सनल एरर क्या होता है, इंस्ट्रूमेंटल एरर क्या होता है, रैंडम एरर क्या होता है। ये सिंपल बेसिक डेफिनेशन है, इनको आप रीड करोगे, पढ़ोगे। हम आज बात करेंगे इसके अंदर एब्सोल्यूट एरर, रिलेटिव एरर, एंड परसेंटेज एरर। आज हम डिस्कस करेंगे एब्सोल्यूट एरर्स, रिलेटिव एरर्स और परसेंटेज एरर के बारे में।
तो इनको इनके ऊपर क्वेश्चंस आते हैं, हमें न्यूमेरिकल को सॉल्व करना होता है एब्सोल्यूट एरर, रिलेटिव एरर और परसेंटेज एरर के ऊपर। न्यूमेरिकल को सॉल्व करने से पहले हमें बेसिक रूल पता होना चाहिए कि हमें उन न्यूमेरिकल्स को कैसे सॉल्व करना है। तो सबसे पहले अगर हमें एब्सोल्यूट एरर निकालना है तो इसके लिए हमें गिवेन होगा कि हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है और हमने मान लिया इस ऑब्जेक्ट की हमने लेंथ को मेजर किया। इस ऑब्जेक्ट की हमने क्या मेजर की? लेंथ। और लेंथ कितनी है हमारे पास? L1, L2, LN। हमने इस ऑब्जेक्ट की लेंथ को मेजर किया और उसकी लेंथ आई L1, L2, L3, L4 अप टू LN। फिर हमने मान लिया एवरेज वैल्यू। तो जो एवरेज वैल्यू आएगी इसकी वो कितनी आएगी? L1 प्लस L2 प्लस LN डिवाइड बाय N। मतलब जितनी वैल्यू हम इन सभी को ऐड कर दें और जितनी है उससे डिवाइड कर दें, दिस इज नोन एज एवरेज वैल्यू। और दिस एवरेज वैल्यू इज नोन एज ट्रू वैल्यू, एल मीन। इस एवरेज वैल्यू को हम क्या कहेंगे? ट्रू वैल्यू, मतलब एक्चुअल वैल्यू ऑफ द लेंथ। हमने मान ली एक ऑब्जेक्ट है, उसकी लेंथ अलग अलग मेजर की, उसकी ट्रू वैल्यू कितनी आ गई? जो इनका एवरेज आएगा, एल मीन। हमें क्या निकालना है? एब्सोल्यूट एरर। तो एब्सोल्यूट एरर अगर हम बात करें, फर्स्ट में जो एब्सोल्यूट एरर निकालना है डेल्टा L1, वो किसके को होगा? हम बताएंगे ट्रू वैल्यू माइनस मेजरेबल वैल्यू। ट्रू वैल्यू में से हमें मेजरेबल वैल्यू को माइनस करना है। तो डेल्टा L1 इज इक्वल टू ट्रू वैल्यू क्या हमारे पास? एल मीन। और इसमें से फर्स्ट को माइनस कर दें। सेकेंड में निकालना है डेल्टा L2, एल मीन में से L2 को माइनस कर दो। डेल्टा LN निकालना है तो एल मीन में से LN को हम सबट्रैक्ट करते हैं। हाँ, एक चीज़ और याद रखना, ज़रूरी नहीं है ये वैल्यू हमेशा प्लस की आएगी, ये वैल्यू पॉजिटिव भी हो सकती है और नेगेटिव भी। इसी टाइप से ये वैल्यू पॉजिटिव भी हो सकती है और नेगेटिव। लेकिन एक चीज़ याद रखना है कि हमेशा ट्रू वैल्यू में से मेजरेबल वैल्यू को घटाना है। अगर आप उल्टा कर रहे हो तो हमेशा मेजरेबल वैल्यू में से ट्रू वैल्यू को घटाना, मतलब इस साइड अगर आप ट्रू वैल्यू रख रहे हो तो दूसरी साइड हमेशा मेजरेबल वैल्यू होगी। तो इस टाइप से हमें क्या मिल गया? एब्सोल्यूट एरर। फिर हम निकालेंगे मीन एब्सोल्यूट एरर्स। अब हमें डेल्टा L मीन निकालना है। हाँ, एक चीज़ यहाँ पे ध्यान रखना, जब हम मीन एब्सोल्यूट एरर निकालेंगे क्या फाइंड आउट करेंगे? मीन एब्सोल्यूट एरर। तो इसके लिए भी सेम प्रोसेस है, इन सभी को ऐड कर दे और जितनी टर्म है उससे डिवाइड कर ले। तो हमारे पास कितना है? डेल्टा L1 प्लस डेल्टा L2 प्लस डेल्टा LN और डिवाइड बाय N। हाँ, लेकिन एक चीज़ जरूर ध्यान रखना कि जब आप मीन एब्सोल्यूट एरर निकालोगे तो ये मॉडुलस वैल्यू लोगे, मीन्स ये वैल्यू पॉजिटिव हो या नेगेटिव, लेकिन हमेशा कौन सी लोगे? केवल मैग्नीट्यूड लेंगे, प्लस हो या माइनस हो, वी टेक ओनली मैग्नीट्यूड। सो मोड ऑफ डेल्टा L1 प्लस मोड ऑफ डेल्टा L2 प्लस मोड ऑफ डेल्टा L। मोड मीन्स अगर हम बात करें कि हमारे पास मोड में -3 है तो दिस इज इक्वल टू 3, और मोड में 3 है तो ये भी किसके को होगा?
ठीक है, हमें केवल पॉजिटिव वैल्यू चाहिए। तो मीन एब्सोल्यूट एरर निकालने के लिए ये जो भी वैल्यू आएगी इन सभी की हमें केवल पॉजिटिव वैल्यू रखेंगे और डिवाइड में जितनी संख्या है। उसके बाद अगर हमें रिलेटिव एरर निकालना है तो हम बात करेंगे डेल्टा एल मीन मीन्स मीन एब्सोल्यूट एरर डिवाइड बाय एक्चुअल वैल्यू एल मीन, और एट लास्ट परसेंटेज एरर निकालने के लिए इसको 100 से मल्टीप्लाई कर ले, मीन्स डेल्टा एल मीन डिवाइड बाय एल मीन जो आया हमारे पास इसको आप 100 से मल्टीप्लाई कर लो, ये आपके पास परसेंटेज एरर। तो इस प्रोसेस से हमें एब्सोल्यूट एरर्स, रिलेटिव एरर्स और परसेंटेज एरर फाइंड आउट करना है। ध्यान रहेगा, हम एक एग्जांपल सॉल्व करते हैं, उससे आपको ये और अच्छे से आ जाएगा। हम ले लेंगे, हमारे पास एक रोड है, हमारे पास क्या है, एक रोड जिसकी हमने लेंथ को मेजर किया 2.42 सेंटीमीटर, 2.37 सेंटीमीटर, 2.46 सेंटीमीटर, 2.41 सेंटीमीटर, 2.42 सेंटीमीटर, 2.37 सेंटीमीटर, 2.46 सेंटीमीटर, 2.41 सेंटीमीटर और 2.44 सेंटीमीटर। टू मेजर द लेंथ ऑफ द रॉड इज दिस 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 एंड दिस, फाइंड द एब्सोल्यूट एरर, रिलेटिव एरर एंड परसेंटेज एरर। तो हमें यहाँ पे पता चला कि L1 दे रखा हमारे पास 2.42 सेंटीमीटर, L2 की वैल्यू 2.37 सेंटीमीटर, L3 की वैल्यू 2.46 सेंटीमीटर, L4 2.41 सेंटीमीटर और L5 2.44 सेंटीमीटर। तो फर्स्ट हम क्या निकालते हैं, ट्रू वैल्यू। सबसे पहले हम क्या फाइंड आउट करेंगे, ट्रू वैल्यू। तो ट्रू वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करें, एल मीन मान ले इसको, इन सभी को जोड़ दो, 2.42 प्लस 2.37 प्लस 2.46 प्लस 2.41 प्लस 2.44 और ये टोटल कितनी है, 1, 2, 3, 4, 5, 5 से डिवाइड कर लो। अब इनको ऐड करो, 2, 7, 2, 7, 9, 6, 15, 16, 4, 20 की 0, 2, 4, 6, 7, 8, 9, 9, 4, 13, 17, 21 और 5, 2, 10 और 2, 12 डिवाइड बाय 5 और दिस इज इक्वल टू 5, 2, 10, 5, 6, 20, 5, 2, 10, 2.42। तो हमारे पास ट्रू वैल्यू मिल गई 2.42। आप इसको अपने तरीके से सॉल्व कर लेना। एक और मेथड होता है मीन निकालने का, हमेशा हमें पता है कि ये वैल्यू किसके इक्वल है, 2.40 के आसपास है, ये भी 2.40 के आसपास है, ये भी 2.40, ये भी 2.40 और ये भी 2.40। ये पांचों वैल्यू 2.40 के अबाउट नियर है। ध्यान से देखना, ये मीन निकालने का एक सबसे आसान सा तरीका है। ये कितनी ज़्यादा है, प्लस 2, ये कितनी कम है, -3, नेक्स्ट +6, उसके बाद वाली +1, उसके बाद वाली +4। तो ये वैल्यू ज़्यादा कितनी है, 6, 2, 8, 1, 9, 4, 13 +13, कम कितनी है, 3, 13 में 3 घटा दिए कितना आया, 10। टोटल वैल्यू हमारे पास कितनी है, 5, 10/5 कितना आ गया, 2। तो 2.40 में 2 ऐड कर लो,
2.40 प्लस 2 ये कितना आ गया 2.42। तो ये एक मेथड है, आपको डायरेक्ट निकालना है आप डायरेक्ट निकाल सकते हो या इस मेथड से सॉल्व करके निकाल सकते हो, वो आपकी मर्जी है। हमें क्या मिल गया एल मीन। अब हमें क्या निकालना है एब्सोल्यूट एरर। तो हम क्या निकाल सकते हैं अब एब्सोल्यूट एरर। तो हमें पता है एब्सोल्यूट एरर किसके कॉल होगा, ट्रू वैल्यू माइनस मेजरेबल वैल्यू। ट्रू वैल्यू मेजरेबल वैल्यू को माइनस कर दें मीन्स डेल्टा एल वन कितना आएगा 2.42 माइनस 2.42 इज इक्वल टू 0। डेल्टा एल टू कितना आएगा 2.42 माइनस 2.37 इज इक्वल टू प्लस 0.05। इसमें इसको माइनस कर दिए। डेल्टा एल थ्री कितना आएगा 2.42 माइनस 2.46 दिस इज इक्वल टू माइनस 0.04। डेल्टा एल फोर 2.42 माइनस 2.41 दिस इज इक्वल टू प्लस का 0.01। और डेल्टा एल फाइव 2.42 माइनस 2.44 और दिस इज इक्वल टू माइनस का 0.02। दिस इज नॉन एज एब्सोल्यूट एरर। हाँ वन मोर थिंग्स, आप ये याद रखना जितनी वैल्यू आपके पास प्लस की आएगी उतनी ही वैल्यू माइनस की होगी। यहाँ पे आप चेक कर सकते हो कि आपका क्वेश्चन सही है या गलत है। तो इसके लिए आप देखोगे जितनी वैल्यू आपके पास प्लस की है उतनी ही माइनस की है, इसका मतलब अभी तक हमारा क्वेश्चन सही है। तो 0.05 प्लस 0.01 इज इक्वल टू 0.06 और 0.04 और 0.02 0.06। ठीक है, अब हमें नेक्स्ट क्या करना होता था, क्या निकालते थे हम मीन एब्सोल्यूट एरर। मीन्स डेल्टा एल मीन। तो डेल्टा एल मीन निकालने की क्या करें, इन सभी को जोड़ दे 0 प्लस 0.05 प्लस 0.04 0.01 0.02 डिवाइड बाई 5। हाँ एक चीज़ याद रखना, ये वैल्यू किसकी है माइनस की, लेकिन हमें लेनी किसकी है प्लस की। हमें केवल मैग्नीट्यूड लेना है, ये भी माइनस की लेकिन हम लेंगे किसकी प्लस की। 5 प्लस 4 प्लस 1 प्लस 2 0.12 डिवाइड बाई 5। अब इसके बाद हमें इस डिवाइड को सॉल्व करना है और हम हमेशा क्या करते हैं 0.24 लिख देते हैं। 5 दूनी 10 और 2 20 पाँचों के 20 ये सही है। दिस इज रॉन्ग वैल्यू। एक चीज़ याद रखना कि ये आंसर नहीं होगा हमारे पास, ये गलत है। यहाँ पे जब आप डिवाइड करोगे तो ये पॉइंट है, पॉइंट के बाद आप पॉइंट लगाओगे, फिर ये वन है, पाँच से डिवाइड नहीं होगा, जीरो लगाओगे, फिर टू आएगा और उसके बाद फोर आएगा। इस चीज़ का ध्यान रखना, हम हमेशा यहाँ पे ये गलत करते हैं डिवाइड। तो सबसे इम्पोर्टेंट है ये डिवाइड करने आना चाहिए हमें, तभी हम आगे सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट हम क्या निकालना है हमें रिलेटिव एरर। क्या फॉर्मूला रिलेटिव एरर्स का, डेल्टा एल मीन डिवाइड बाई एल मीन। मीन्स रिलेटिव एरर आ गया हमारे पास 0.024 डिवाइड बाई 2.42। ये एल मीन है वो एरर है। ठीक है, आप डिवाइड कर लेना, लगभग ये वैल्यू कितनी आएगी, दो पॉइंट पे हटा दे और नीचे डेसिमल फ्री कर दे 2.42 डिवाइड बाई 2.42, लगभग ये वन टाइम से आएगा। इस पॉइंट को हटाने के लिए क्या लगाते हैं हम जीरो, ये 24 हो गया, फिर एक और जीरो लगा दो, ये 240 हो गया, लगभग ये आ जाएगा 0.01। एक्यूरेट नहीं है, अबाउट नियर है 0.01। एंड एट लास्ट परसेंटेज एरर।
परसेंटेज एरर किसके को आएगा? डेल्टा एल मीन डिवाइड बाई एल मीन इंटू में 100, और ये वैल्यू किस में लिखेंगे हम? परसेंटेज में, मीन्स 0.01 इंटू में 100 इज इक्वल टू 1%। मीन्स इस ऑब्जर्वेशन के अंदर हमारे पास एरर कितना क्रिएट होगा? लगभग 1%। मीन्स ये वैल्यू लगभग आएगी हमारे पास 0.0099, लगभग 0.99%, 1% के आया क्वेश्चन। इससे रिलेटेड आपको क्वेश्चन ट्राई करने हैं। थैंक यू।